हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सिविल प्लस आईटी टेक्नो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किसी सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप से या पीसी से। दोस्तों आज के वीडियो में आपको दो तरीके बताऊंगा जिससे आप उसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास पहला जो तरीका है, हमें जाना है अपने पीसी में। पीसी में जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऊपर, अनइंस्टॉल और चेंज ए प्रोग्राम। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको पास यहाँ पे एक इंटरफेस खुलेगा। इसमें जो भी विंडोज़ के जो भी फीचर्स होंगे, जो भी यहाँ पे ऐप्स या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे इजीली। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी अनइंस्टॉल करना है, आप उसको सिंपली सर्च करेंगे। आप उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ पे क्लिक ऐड करके भी उसको ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मैन्युअली देखना चाहते हैं तो आप मैन्युअली भी उसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो टीम व्यूवर जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अनइंस्टॉल करने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको सिंपली जो भी सॉफ्टवेयर आपको अनइंस्टॉल करना है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद उस पर राइट क्लिक करनी है और उसके बाद में यहाँ से आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन वहाँ पर दबा देना है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पहला मेथड। दोस्तों आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली कंट्रोल पैनल पर जा सकते हैं। अगर आपका कंट्रोल पैनल का शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे नहीं पड़ा है तो आप यहां से सिंपली विंडो पे जाके सर्च कर सकते हैं कंट्रोल पैनल। यहां पे आप कंट्रोल पैनल टाइप कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कंट्रोल पैनल पे जाने का। वहां जाने के बाद दोस्तों आपको देखना है अनइंस्टॉल प्रोग्राम, प्रोग्राम में आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अनइंस्टॉल प्रोग्राम। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेम इंटरफेस खुल जाएगा जो आपको इस पीसी पे जाके खुला था। तो आपको वहाँ क्या करना है, आपको सिंपली वहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर आपको अनइंस्टॉल करना है वहाँ पहुँच जाना है। आप अपने सॉफ्टवेयर का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट उसको टाइप करके भी वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, या उससे रिलेटेड जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स है उस पर पहुँच सकते हैं, या फिर आप मैनुअली सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन दबाना है। उसके बाद में वो यहाँ से आपको कुछ परमिशन मांगेगा, ठीक है, वो सभी पढ़े नहीं है आपके। अगर आपने और दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो वहाँ पर कुछ और होगा, लेकिन दोस्तों प्रोसेस जो है इंस्टॉल करने की कोशिश नहीं है। तो आपको यहाँ सिंपली ऑप्शन दबाना है, उसके बाद में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर जो भी पुराना फाइल है वो सब जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा यहाँ पे, आप जब इसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे टीम व्यूअर सर्च